16 जून 2013 का वो खौफनाक दिन जब केदारनाथ धाम में मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा था। बादल फटने की वजह से पूरे केदारनाथ में भयंकर बाढ़ आ गई थी। बाढ़ में बहने वाली पानी की धारा इतनी तेज थी कि अब बड़े से बड़े चट्टानों को तोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। पानी की इस धारा की चपेट में आकर हजारों तीर्थ यात्री काल के काल में समा गए। अब धीरे धीरे पानी की यह धारा मंदिर की ओर बढ़ रही थी। मंदिर के अंदर लगभग 500 भक्त मौजूद थे। धारा की भयावता को देखते हुए यही कहा जा रहा था कि जैसे ही यह धारा मंदिर से टकराएगी मंदिर पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। लेकिन पानी की यह धारा मंदिर से टकराने से पहले वहां एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। जितनी इस मंदिर की चौड़ाई है उतनी ही चौड़ाई वाला एक बड़ा सा चट्टान पानी के साथ बहता हुआ आ रहा था और फिर उस चट्टान के बहाते ही पानी की धारा मंदिर को बचाते हुए दो हिस्सों में बट गई। तो दोस्तों आखिर क्या है उस चमत्कारिक चट्टान की पूरी कहानी, मंदिर को बचाने वाला वह चट्टान कहां से आया और आज उस चट्टान की स्थिति क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो और जानते हैं केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा करने वाली भीमशिला की पूरी कहानी। केदारनाथ धाम में आने वाली तबाही भारत के इतिहास में 2004 के सुनामी के बाद से अब तक की सबसे भयंकर आपदा है। बंगाल की खाड़ी में आए साइक्लोन की वजह से उत्तराखंड और उसके आसपास के राज्यों में मौसम में बदलाव होना शुरू हुआ था। इस बदलाव की वजह से उत्तराखंड में सामान्य से 375% ज्यादा बारिश हो गई थी। यह बारिश इतनी ज्यादा थी कि केदारनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर ऊपर की चौराबाड़ी ग्लेशियर के पास एक विशाल काय झील का निर्माण हो गया था। अत्यधिक बारिश की वजह से पूरे पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड्स की घटनाएं काफी अधिक होने लगी थीं। चौराबाड़ी ग्लेशियर के पास जो झील बना था वो भी लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। लैंडस्लाइड की वजह से झील के पानी को रोकने वाली चट्टानें टूट गईं और फिर चट्टान टूटते ही पानी की यह धारा विकराल रूप लेते हुए नीचे की ओर आने लगी। पानी की यह धारा इतनी विकराल थी कि इसके सामने जो कुछ भी आ रहा था वह उसे अपने साथ बहा ले जा रही थी। बड़े से बड़े पेड़ जड़ से उखड़ जा रहे थे, मजबूत से मजबूत बिल्डिंग भी बुनियाद समेत गिर जा रही थी और उसकी चपेट में आने वाले इंसान तो सूखे पत्ते की तरह पानी के इस धारा में बह रहे थे। 16 जून 2013 को केदारनाथ की स्थिति इतनी भयावह थी कि आज भी उसे याद करके रूह कांप जाती है। ऐसे में जरा सोचिए जिन लोगों को उस विपदा का सामना करना पड़ा था उन लोगों के ऊपर क्या बीती होगी। जैसे समुद्र में भयावह सुनामी आने के बाद पूरा शहर जलमग्न हो जाता है वैसी स्थिति केदारनाथ की हो चुकी थी। बादलों में दबाव इतना अधिक बढ़ चुका था कि कई जगह पर बादल फट गए थे, इसलिए चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। एक तो वैसे ही पूरा इलाका पानी से भरा था और जब झील टूटने के बाद ऊपर से पानी की धार आने लगी तब लोगों को अपनी आंखों के सामने मौत नजर आने लगी। यह आपदा इतनी तेजी से आई थी कि किसी को भागने का समय तक नहीं मिला, जो जहां पर था उसे वहीं रोक दिया गया। इस आपदा के दौरान केदारनाथ में अलग अलग जगह पर 3 लाख श्रद्धालु फंस गए थे जिनमें से लगभग 6,000 लोगों की मौत हो गई थी। आइए अब लौटते हैं 16 जून की उस रात को जब केदारनाथ धाम के ऊपर सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा था। जब यह आपदा आई उस समय केदारनाथ मंदिर के अंदर लगभग 500 श्रद्धालु शरण लिए हुए थे। विश्लेषकों ने यह अनुमान लगाया था कि पानी की यह तेज धारा रात के समय में केदारनाथ मंदिर से टकराएगी। पानी की धारा बड़ी से बड़ी चट्टान को भी अपने साथ बहा ले जा रही थी, जिसे देखते हुए कई एक्सपर्ट्स ने यह अनुमान लगाया कि इस तेज धार में मंदिर की सुरक्षा बचाना काफी कठिन है। इसके बावजूद केदारनाथ के जो सच्चे भक्त थे वो मंदिर परिसर में ही रुककर बाबा केदारनाथ का जाप कर एक दूसरे को ढांढस बधा रहे थे। इन लोगों को उम्मीद थी कि बाबा केदारनाथ हर हाल में इनकी रक्षा करेंगे। मंदिर परिसर में रुकने वाले श्रद्धालुओं में से 2 साधु भी थे। जल प्रलय में स्वयं को बचाने के लिए यह दोनों साधु एक ऊंचे खंभे पर चढ़ गए थे। ऊंचे खंभे पर चढ़े होने की वजह से यह दोनों को दूर से आती हुई पानी की तेज धारा भी दिखाई दे रही थी। 16 जून की रात करीब 8 बज रहे थे। पानी की धारा मंदिर से बस टकराने ही वाली थी कि तभी खंभे पर चढ़े साधुओं ने देखा कि पानी की तेज धारा के साथ एक विशाल काय चट्टान बहता हुआ आ रहा है। इस चट्टान को देखकर इन दोनों के होश उड़ गए। पानी की धारा में मंदिर के दीवार को बचाने की कुछ संभावना तो थी, लेकिन अगर यह विशाल काय चट्टान मंदिर से टकरा जाए तो फिर मंदिर का बचना संभव था। दूर से देखने पर यह चट्टान डमरू के आकार के दिख रही थी जो काफी तेज गति से मंदिर की ओर बढ़ रहा था। इन दोनों ने जब इस चट्टान को मंदिर की ओर आता हुआ देखा तब इन लोगों ने इसे अपना अंतिम क्षण मान लिया। उस क्षण के बारे में बताते हुए साधु कहते हैं कि हमें यही लगा कि चट्टान के रूप में यमराज हमारे पास आ रहे हैं
और अब हमारे बचने की कोई संभावना नहीं है, और यहाँ तक कि अब इस चट्टान से मंदिर को कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, जहाँ सांसारिक शक्तियाँ समाप्त हो जाती है, वहाँ से भोलेनाथ की महिमा प्रारंभ होती है। जो चट्टान विनाशकारी बनकर मंदिर की ओर आ रहा था, अचानक ही एक चमत्कार हुआ और वो चट्टान मंदिर के लिए सुरक्षा कवच बन गया। हुआ यूं कि पानी की धारा के साथ तेजी से आता हुआ चट्टान अचानक ही मंदिर से 50 फीट की दूरी पर रुक गया। चट्टान के पीछे पानी की धारा की गति तो पहले से ही भयावह थी, लेकिन वैज्ञानिक तथ्यों को नकारते हुए वह चट्टान स्वयं ही मंदिर से 50 फीट पहले रुक गया। इस चट्टान की चौड़ाई बिल्कुल मंदिर की चौड़ाई जितनी ही थी। मंदिर से पहले चट्टान के आ जाने से पानी की धारा सीधे मंदिर से टकराने की बजाय इस चट्टान से टकराने लगी, और फिर चट्टान से टकराकर पानी की धारा दो दिशा में बट गई। दो हिस्सों में बंटने के बाद पानी की यह धारा दोनों ओर से मंदिर के बगल से बहने लगी, और यह विनाशकारी धारा भी मंदिर के पास आकर विनम्र होकर वहां से गुजरने लगी। देखा जाए तो सिर्फ एक पत्थर था जिसने मंदिर को नष्ट होने से बचा लिया था, लेकिन दोस्तों अगर हम वैज्ञानिक तथ्यों से भी उस पत्थर के बारे में समझने की कोशिश करें तो भी उसे समझना काफी मुश्किल है। सबसे पहली बात तो यह कि यह पानी की धारा के साथ मंदिर की चौड़ाई के ठीक बराबर की चौड़ाई वाला इतना विशालकाय पत्थर आया कहां से? पानी की तेज धार, लेकिन वो इतनी भी शक्तिशाली नहीं थी कि कई टन वजनी चट्टान को अपने साथ बहा कर ले आए। और यदि यह चट्टान पानी की धारा के साथ बहकर आई तो फिर ऐसा चमत्कार हुआ कि मंदिर सिर्फ ठीक 50 फीट पीछे यह चट्टान स्वयं ही रुक गई। न्यूटन के नियम के मुताबिक किसी भी वस्तु की गति तब तक प्रभावित नहीं होती जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। चट्टान के पीछे पानी की जो धारा थी उसकी गति पहले से ही कांस्टेंट थी। कुछ जगह पर यह बढ़ भी रही थी लेकिन घट बिल्कुल भी नहीं रही थी। ऐसे में वह चट्टान तभी रुक सकती थी जब उसके सामने से उसके ऊपर पानी की धारा से भी अत्यधिक बल लगाया जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर यह चट्टान स्वयं ही रुका कैसे? दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब नहीं दे सका है। तभी तो कहते हैं दोस्तों, जहां दुनिया का सारा विज्ञान फेल हो जाए वहां से सनातन की शक्ति की शुरुआत होती है। निसंदेह वो बाबा केदारनाथ की कृपा थी, और यह उनकी ही शक्ति का कमाल था कि यह भारी भरकम चट्टान पानी के साथ बहकर आया और मंदिर से ठीक 50 फीट पहले रुककर मंदिर की सुरक्षा की। आपको बता दें कि यह चट्टान जिस जगह पर रुका था उसी जगह पर आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि भी है। मंदिर की सुरक्षा करने वाला यह चट्टान आज भी केदारनाथ मंदिर के पीछे अपनी जगह पर स्थित है। इस चट्टान को भीमशिला के नाम से जाना जाता है। इस नाम के पीछे की वजह लोग यह बताते हैं कि यह चट्टान पानी के साथ बहकर आ रहा था तब ऐसा प्रतीत हुआ जैसे भीम ने अपनी गदा चट्टान के आगे गाड़कर चट्टान को रोकती है, इसलिए उस चट्टान का नाम भीमशिला रखा गया। तो दोस्तों यह थी केदारनाथ मंदिर को बचाने वाली चमत्कारिक चट्टान भीमशिला की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही और वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।